गुड मॉर्निंग भाई। तो हमारे पास है लाइव क्विज 7 के सॉल्यूशंस। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। पहले प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 - x² एट द पॉइंट वेयर द ऑर्डिनेट्स एंड द एब्सिस आर इक्वल। ठीक है भाई, मुझे सवाल में बोल रखा है कि ऑर्डिनेट्स जो है और जो एब्सिस है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो y इक्वल टू कर्व हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 4 - x². प्रॉब्लम में बोल रखा है ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैं y की जगह x ही डाल देता हूं एंड x इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 4 - x². ठीक है, स्क्वायरिंग कर देता हूं तो x स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 4 - x² 2x² आपके पास 4 आ गया, और चेक कर लीजिए यहां से x इक्वल टू हमारे पास आ गया ±√2। सवाल में बोला था ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा बोथ आर इक्वल, इसका मतलब y भी हमारे पास क्या हो गया, ±√2। आई थिंक हमको ये समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो y है ये y हमेशा पॉजिटिव होगा, और y अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो सिर्फ हमें x इक्वल टू क्या लेना है, √2, और y भी सिर्फ क्या लेना है, √2। इसका मतलब हमारे पास इस सवाल में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दैट इज √2, √2। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास √2, √2 है। ठीक है, ये आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज √2, √2। सवाल में उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें आती ही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई, dy/dx होता है एट विच पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दैट इज √2, √2। dy/dx हम लोग सारे लोग आराम से निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 1/√2(4 - x²)-2x। आई थिंक 2 से 2 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू कितनी थी भाई, √2, तो यानी -√2/√2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कमिंग आउट टू बी -1। आई थिंक बहुत बेसिक बात है, ये गलती मत कर देना एग्जाम में कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को -√2, -√2 मत ले लेना। क्यों मत ले लेना, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि y is always positive and problem is saying कि y is equal to x, y x के बराबर है, दोनों मैंने बराबर कर दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कमिंग आउट टू बी -1, इसका मतलब आंसर इज ए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास -1 आ रही है। चलिए भाई, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, I would categorize this problem in the easy category, आसान सा सवाल है। चलिए भाई, next सवाल पर आते हैं। हाँ भाई, पढ़ लीजिए एक बार, ये भी अगेन बहुत easy problem है। The distance between the origin and the tangent to the curve y equal to e की पावर 2x + x² drawn at the point x equals to 0। यानी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, अगर ध्यान से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, एक कर्व दिया है y equal to e की पावर 2x + x² कर्व दिया है, मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है कहां पर, एट द पॉइंट 0, x equal to 0। तो बेटा एक बार अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा यानी जहां पर हमें टेंजेंट लिखना है उसका एक्स तो कितना है, 0। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का सवाल में साफ साफ दे रखा है कि एक्स हमारे पास 0 है। ठीक है, एक्स को अगर मैं 0 पुट कर दूं, एक्स को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो आप लोग देख सकते हो कि भाई वाई हमारे पास जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए कर्व दे रखा है, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 लिखनी है, x को डाला 0, कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा ही, x को डाला 0, y हमारे पास आ गया 1, यानी हमें टेंजेंट की इक्वेशन 0, 1 पे लिखनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टेंजेंट की स्लोप की, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलेगी, dy/dx। तो चलो ऐसा करते हैं, टेंजेंट की स्लोप लिख लेते हैं, कहां से निकलेगा, dy/dx से, और dy/dx किस पॉइंट पे चाहिएगा, 0, 1। तो भाई सारे लोग dy/dx आराम से निकाल सकते हैं, e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2e की पावर 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव
2x, सही है भाई। पर x को क्या डालना है, जीरो। तो x को जैसे ही मैंने जीरो डाला, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कमिंग आउट टू बी 2। और मुझे लगता है नाउ ईच ऑफ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली। टेंजेंट की इक्वेशन आप लोग आराम से लिख सकते हो। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 1, m स्लोप, स्लोप कितना है 2, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 0। तो एक बार चेक कर लीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास आ गई 2x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप बोलोगे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली क्यों, तो मुझे लगता है सवाल में उसने ओरिजिन एंड टेंजेंट के बीच का क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो भाई जब हमारे पास टेंजेंट आ गया है तो हम लोग डिस्टेंस तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, 0,0 से। मॉड ऑफ ए, ए इज टू, एक्स वन इज 0 प्लस बी, बी इज माइनस वन, वाई वन इज 0 प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करिए, डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 1/√5। तो आंसर इज ए। आंसर समझ में आ गया होगा, ए आ गया। कुछ खास काम किया नहीं, एक बार जल्दी से दोबारा देख लो। कर्व दिया है, x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की बात हो रही है, x को डाला 0, y हमारे पास आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, स्लोप dy बाय dx से निकलेगी, स्लोप टेंजेंट की 2 आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, जहां पे x1 y1 क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या है, 0,1। बस डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन से उस टेंजेंट का, तो फॉर्मूला इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काफी आसान प्रॉब्लम है, आई थिंक एक भी मुश्किल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको लगेगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं, ध्यान से एक बार देख लेते हैं। इफ x प्लस 4y इक्वल टू 40 इज अ नॉर्मल टू दिस कर्व, ठीक है, एट द पॉइंट 2,3। अगेन बहुत आसान प्रॉब्लम है, y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा x क्यूब माइनस बीटा, और पॉइंट सवाल में क्या दिया है, 2,3। 2,3 आई थिंक इतना तो हमें समझ में आता होगा, y स्क्वायर इक्वल टू अल्फा x क्यूब माइनस बीटा और पॉइंट दिया है 2,3। डेफिनेटली 2,3 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो 2,3 को हम कर्व में सेटिस्फाई करा रहे हैं। क्या मिलेगा, 9 इक्वल टू 8 अल्फा माइनस बीटा, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन। 2,3 को कर्व में सेटिस्फाई करा दिया, सेटिस्फाई जरूर करेगा। इसके बाद नॉर्मल की उसने इक्वेशन मेरे को दे रखी है, अब नॉर्मल की स्लोप हमें निकालनी आती है, तो ऐसा करते हैं नॉर्मल की स्लोप के लिए पहले dy by dx निकाल के रख लेते हैं। हाँ भाई, डिफरेंशिएट करूंगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, अल्फा x क्यूब का डेरिवेटिव 3 अल्फा x स्क्वायर, बीटा का डेरिवेटिव 0। हाँ भाई, तो हमारे पास dy by dx क्या आ गया, 3 अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें निकालना किस पॉइंट पर है, 2,3 पर। तो x की जगह डाल देता हूं 2 और y की जगह डाल देता हूं 3। तो एक बार चेक करते हैं, 3 अल्फा x की जगह 2 और y की जगह 3। तो चेक करिए एक बार dy by dx हमारे पास 2 अल्फा आ गया। हाँ भाई, तो ये जो dy by dx हम लोगों ने निकाला, ये तो किसकी स्लोप होती है, टेंजेंट की, लेकिन हमें तो सवाल में किसकी बात की है, नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो गई, -1/2 अल्फा। और आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि भाई नॉर्मल की स्लोप कितनी है, नॉर्मल की स्लोप कितनी है, -1/4। तो बस मैं इसे -1/4 के इक्वेट कर रहा हूं, आई थिंक यहां से अल्फा कितना आ गया, 2, ठीक है। और अल्फा अगर 2 आ गया तो फर्स्ट रिलेशन में अल्फा को डाल देते हैं, तो 9 इक्वल टू 16 माइनस बीटा, चेक करो बीटा कितना आ गया, 7। अल्फा इज 2, बीटा इज 7, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 9, आंसर इज ए। आई थिंक ये भी काफी आसान प्रॉब्लम है,
कुछ भी नहीं किया, एक बार जल्दी से बता देता हूं कि भाई ये पॉइंट इस कर्व पे लाए कर रहा था, सेटिस्फाई करा दिया, नॉर्मल की इक्वेशन दी थी तो नॉर्मल की स्लोप निकाल के डी वाई बाई डी एक्स से इक्वेट कर दी, दो रिलेशन दो वेरिएबल अल्फा और बीटा आराम से हमारे पास निकल कर आ गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अगेन ये भी हमारे पास आसान प्रॉब्लम है। हाँ भाई, सवाल में क्या बोला है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व की हमें मैक्सिमम स्लोप निकालनी है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब मैक्सिमम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब मैक्सिमम स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व। ठीक है, तो यानी हमें मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट इस सवाल में निकालना है, और मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, यानी सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट, बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस सिक्स एक्स और प्लस नाइन। तो एक बार जरा देखेंगे, टेंजेंट की स्लोप हमारे पास आ गई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, और मुझे इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। मुझे लगता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग अपने कॉमन सेंस से ही निकाल सकते हैं। हाँ भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट दोबारा देख लें, माइनस थ्री मुझे लग रहा है कॉमन आ रहा है, आ रहा है, माइनस थ्री कॉमन निकालते क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आया, और मुझे लगता है हम लोग आराम से एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो कितना आ गया अंदर, माइनस फोर। तो चेक करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कमिंग आउट टू बी 12 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप बताओ यही आ गया नहीं आ गया, और मुझे अब इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज। ये तो हमें समझ में आता होगा कि भाई अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, और 3 इंटू एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, जीरो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया, 12। कुछ खास काम नहीं किया, ऐसे नहीं करना, तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल ही चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल ही चुके हैं, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, और ये पता है क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आता है, माइनस डी बाय टू ए पर आता है, वहां से भी हम लोग कर ही सकते हैं, है ना भाई, पता है ना क्वाड्रेटिक का डाउनवर्ड पैराबोला का मैक्सिमम आंसर माइनस डी बाय टू ए पर आता है। आई थिंक मैंने कुछ खास सवाल में किया नहीं, स्लोप ऑफ द कर्व निकालनी थी, कर्व की स्लोप निकाल ली, उस स्लोप को मैक्सिमम करना था, मैंने उस कर्व उस स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 12। बहुत आसान है, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट से जाना है तो ऑल्टरनेट से भी करके दिखा देता हूं भाई मैं आप लोगों को। तो देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स आई गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई गया है, अब मुझे ये बताओ ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव करेगा, at x equal to minus b by 2a, यानी minus 6 by minus 6, यानी maximum value will be achieved at x equal to 1, बस अब x को क्या डाल दो, 1 डाल दो, you will get the maximum slope, minus 3 plus 6 plus 9, that is coming out to be 12, तो this is your alternate approach, आप लोग सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर यू कैन फाइंड आल्सो द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, आप वो भी कर सकते हो, आसान है, जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल ये भी काफी आसान है, द फंक्शन एक्स की पावर एक्स डिक्रीजेस इन द इंटरवल, यानी हमसे एक फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि वो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये भी आसान है, काफी आसान प्रॉब्लम है। हमें सवाल में एक फंक्शन दिया है, उसके डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, तो करते हैं, fx is equals to, फंक्शन क्या है, x की पावर
एक्स। हाँ भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें इस फंक्शन की डोमेन लिखनी पड़ेगी। और ये अब हम सबको समझ में आ रहा होगा कि डोमेन जो है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इनफिनिटी। एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इनफिनिटी क्योंकि बेस में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होता है। चलिए, डोमेन लिख दी। डोमेन के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या निकालना पड़ता है, एफ डैश एक्स, है ना भाई। और सवाल में किस बात का इंटरवल पूछा है, फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग। आप ही खुद देख लो, एफ एक्स को अगर डिक्रीजिंग होना पड़ेगा तो व्हाट इज द रिलेशन, डी वाई बाय डी एक्स इज लेस देन जीरो, यही होता है। तो एक बार y इज इक्वल टू x की पावर x, ये तो हमने सीखा है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। ln y इज इक्वल टू x ln x, पर अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ln y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx, यहाँ पे uv रूल लगेगा, x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ln x एज इट इज इनटू 1। तो चेक करिए भाई, dy बाय dx हमारे पास क्या आ गया, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, और इसे क्या करना था, लेस देन जीरो, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना था। ये तो हमें समझ में आता है कि भाई हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस ln x इज लेस देन जीरो, ln x इज लेस देन -1, x इज लेस देन 1 बाय e, बट इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होना ही पड़ेगा। तो फाइनल इंटरवल हमारे पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से 1 बाय e, दैट वुड बी एन आंसर, आंसर इज सी। कुछ भी नहीं किया, डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा था, और किसी भी प्रॉब्लम में हमसे कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछता है तो पहले डोमेन और उसके बाद dy बाय dx नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। काफी आसान प्रॉब्लम है। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा के 1 से लेकर 5 एक्स माइनस के का होल स्क्वायर अज्यूम्स द मिनिमम वैल्यू एट एक्स गिवन बाय। एक फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर अचीव करेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स अचीव्स इट्स मिनिमम वैल्यू। एक बार एफ एक्स को ध्यान से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा है के 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रहा है, तो आई थिंक मैं इसे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अप टू क्या लिख सकता हूं भाई, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिंपल सा मतलब है, एफ एक्स हमारे पास ये हो गया। थोड़ी सी यार कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर हर ब्रैकेट से आएगा, तो हमारे पास 5x स्क्वायर आ गया होगा। ये हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई हर ब्रैकेट से यहां से -2x आएगा, यहां से -4x आएगा, यहां से -6x आएगा, और यहां से -10x आएगा। तो मैं -2x कॉमन ले रहा हूं और 1 प्लस 2 अप टू 5, ये हमारे पास आ गया। और ये अब समझ में आ रहा होगा, यहां से 1 स्क्वायर आएगा, यहां से 2 स्क्वायर आएगा, और यहां से 5 स्क्वायर आएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू कितना भाई, 5 स्क्वायर, ये आ गया। तो एक बार चेक करते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 5x² - 2x 1 से लेके 5 तक का सम, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, इसको कुछ सी लिख देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस कांस्टेंट से हमें सवाल में कोई मतलब नहीं है। निकाल भी सकते हो n into n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6, मैं नहीं निकाल रहा हूं। हाँ भाई, तो चेक करो हमारे पास fx क्या आ गया, fx is coming out to be, fx हमारे पास आ रहा है 5x square minus 2 से 2 cancel, 30x plus some constant, और ये पता है कांस्टेंट क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमें समझ में आ रहा है, इट इज अ, मैं कोई कैलकुलस लगाऊंगा ही नहीं इस प्रॉब्लम में। हाँ भाई, ये हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला का मिनिमम वैल्यू कहाँ आता है, एट x इक्वल टू
माइनस बी बाय टू ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 5. चेक करो, यानी एफ एक्स विल अचीव इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 3. तो व्हाट इज द आंसर सी. और मुझे लगता है ये सवाल भी काफी आसान ही है, कुछ खास काम मैंने सवाल में किया ही नहीं, बहुत इजीली मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी पता लग गया. पैराबोला है, पैराबोला का मिनिमम वैल्यू वर्टिक्स पे ही आता है माइनस बी बाय टू ए पर, तो मैंने सिर्फ वो माइनस बी बाय टू ए आपके लिए निकाला है. आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम था. हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ये भी आसान है. द लाइन्स टेंजेंट टू द कर्व्स, एक कर्व ये दिया है और एक कर्व ये दिया है, इस पर मुझे क्या लिखना है, टेंजेंट, और कहां लिखना है, ओरिजिन में. ठीक है, तो टेंजेंट लिखना है और उन टेंजेंट के बीच में सवाल में क्या पूछा है, एंगल. तो मुझे लगता है टेंजेंट के बीच का एंगल हम लोगों को निकालना आता है. टेंजेंट का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस प्रॉब्लम में क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0.0. सवाल में दिया था व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 0.0 दिया हुआ है. हाँ भाई, इसके बाद मुझे एंगल बिटवीन द टू कर्व्स के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों कर्व पर ड्रॉ किए टेंजेंट्स का स्लोप, और स्लोप कैसे निकलेगा, dy by dx. तो भाई मैं पहले कर्व के लिए कर रहा हूं, ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट. तो आई एम डिफरेंशिएटिंग. y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy by dx. हाँ भाई, माइनस x स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx, माइनस y एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5y का डेरिवेटिव 5dy by dx, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है. और ये हमें सारा काम कहां पे करना था, 0.0 पे. इसका मतलब मैं इसमें x को क्या डाल दूं, 0, और y को क्या डाल दूं, 0. तो भाई मैं x को डाल रहा हूं 0, y को डाल रहा हूं 0. तो समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म इज 0, सेकंड टर्म इज 0, थर्ड टर्म इज 0, 5 इंटू dy by dx माइनस 2. तो चेक करिएगा, dy by dx इज कमिंग आउट टू बी 2/5, एंड आई थिंक दैट वुड बी आर m1 बोले तो पहले कर्व पर टेंजेंट की स्लोप, कुछ भी नहीं है. ये सेम काम अब मैं किसके लिए करूंगा, सेकंड कर्व के लिए. तो सेकंड कर्व के लिए भी स्लोप निकालनी है, तो डिफरेंशिएट करूंगा. x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, माइनस x क्यूब एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, माइनस y स्क्वायर एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव 5, और 2y का डेरिवेटिव 2, dy by dx इक्वल टू 0. और ये सारा काम करना कहां पर है, एट 0.0. इसका मतलब x को 0, y को 0 डाल देते हैं. x को 0, y को 0, x को 0, y को 0, बस पुट कर दिया है, और कुछ नहीं है. तो ध्यान से अगर देखें तो dy by dx यहां से हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस 5/2. ये हमारे पास क्या है, m2. तो बेटा पहले कर्व पर टेंजेंट का स्लोप कितना आया था, 2/5. दूसरे कर्व पर टेंजेंट का स्लोप कितना आया, माइनस 5/2. क्लियरली m1 m2 इक्वल टू माइनस 1. इसका मतलब कर्व्स विल इंटरसेक्ट एट एन एंगल 90 डिग्री, थीटा इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री, एंड आई कैन से कर्व्स आर द ऑर्थोगोनल कर्व्स एट द ओरिजिन. ओरिजिन पे कर्व्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल है. तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी डी. काफी आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं किया, 2 मिनट मैंने बोल रखा है, पर इतना टाइम नहीं लगेगा. काफी आसान सा प्रॉब्लम है, सिर्फ पता है
एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स दोनों का स्लोप चाहिए होता है, और उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। बट यहाँ पर तो एम वन एम टू कितना आ गया, माइनस वन, टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये भी आसान ही प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ नहीं है, ध्यान से करेंगे। इफ अ वेरिएबल टेंजेंट, एक वेरिएबल टेंजेंट लिखना है टू दिस कर्व एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी क्यूब, इस पर हमें एक वेरिएबल टेंजेंट लिखना है। ठीक है, तो बेटा टेंजेंट लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी एक्स वन कॉमा वाई वन। सवाल बोल रहा था वेरिएबल टेंजेंट लिखना है इस कर्व का, वेरिएबल टेंजेंट यानी मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लिया। इसके बाद क्या चाहिए, टेंजेंट की स्लोप, वो कैसे निकलती है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और सी क्यूब का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है भाई, तो एक बार देख लेते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर देखें तो माइनस टू वाई वन अपॉन एक्स वन, दैट इज कमिंग आउट टू बी क्या, टेंजेंट का स्लोप। ये हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट का स्लोप। अब देखते हैं टेंजेंट का, हमने पॉइंट लिख लिया, टेंजेंट का स्लोप लिख लिया, एंड नाउ वी कैन इजीली राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, m कितना है, माइनस टू वाई वन अपॉन एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कुछ भी नहीं किया, एक बार दोबारा पढ़ा देता हूं कि भाई इस कर्व का वेरिएबल टेंजेंट लिखना था, टेंजेंट के लिए पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए होता है x1 y1, उसके बाद टेंजेंट का स्लोप चाहिए होता है dy by dx, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया। अब साफ साफ बोल रखा है कि भाई टेंजेंट इज मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन x एक्सिस, इसका मतलब x इंटरसेप्ट उसने मेरे को दिया है, x इंटरसेप्ट उसने मेरे को क्या दिया है, a। ठीक है भाई, और x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है कि मैं y को क्या डाल दूं भाई, जीरो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, वही एक्स इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इसमें वाई की जगह क्या डाल दो भैया, जीरो माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस टू वाई वन अपॉन एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यहां से जो भी एक्स निकलेगा दैट वुड बी आर एक्स इंटरसेप्ट, तो निकाल लो एक्स इज कमिंग आउट टू बी थ्री एक्स वन बाय टू। ठीक है भाई, तो यानी हमारे पास x इंटरसेप्ट उसने a दिया था एंड a इज कमिंग आउट टू बी 3x1 by 2। ठीक है, इसके बाद y इंटरसेप्ट कितना दिया है, b, तो बेटा y इंटरसेप्ट b दिया है। ये y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, ये तो पता ही है, y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, x को 0 पुट करके, तो x को 0 पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस टू वाई वन अपॉन एक्स वन, एक्स को जीरो पुट कर दो और यहां से क्या निकाल लो, y, तो निकालोगे y, साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा कि भाई माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वन से एक्स वन कैंसिल, टू वाई वन प्लस वाई वन इज थ्री वाई वन, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास इज कमिंग आउट टू बी थ्री वाई वन, तो फाइनली y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 3y1, तो x इंटरसेप्ट आ गया 3x1 by 2, y इंटरसेप्ट आ गया 3y1, और सवाल में बोल रखा था वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b निकालो, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b निकालो, डाल देते हैं भाई a स्क्वायर, तो a स्क्वायर विल बी 9x1 स्क्वायर by 4,
into b, b is 3y1. It is coming out to be 27 x1 square y1 by 4. और ये हमें समझ में आता है कि भाई x1 square into y1. देख लीजिए, x1 square into y1 can be replaced by c cube. तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी सी. आसान सा ही प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है. जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूं. सवाल में टेंजेंट लिखना था, उसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, दैट इज x1 कॉमा y1. स्लोप चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स. टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो, एक्स निकाल लो, वो हमारे पास 3x1 बाय 2 आ गया. वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो, वाई निकाल लो, वो हमारे पास 3y1 आ गया. ए मिल गया, बी मिल गया, ए और बी डाल दिए गए, और ए स्क्वायर बी, ए और बी डालने के बाद ए स्क्वायर बी हमारे पास ये निकल कर आ गया. और ये तो समझ में आता है, x1 स्क्वायर y1 विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस कर्व. x1 y1 तो इस कर्व पर माना ही था, वो सेटिस्फाई जरूर करेगा ही करेगा. तो x1 स्क्वायर इंटू y1 इज रिप्लेस्ड बाय सी. तो बहुत इजीली हमारे पास सवाल हो गया, आसान था. ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं. ये भी बहुत आसान है अगर ध्यान से देखेंगे. एक डिफरेंशियबल फंक्शन है. डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही गया, डिफरेंशियबल भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है. बोल रखा हैज अ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है रिलेटिव मिनिमा, एक बार लिख देता हूं. हाँ भाई, फंक्शन है डिफरेंशियबल, एक्स इक्वल टू जीरो पे रिलेटिव मिनिमा है. हाँ भाई, तो हमारे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स. स्टार्टिंग में फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और बोल रखा है एक्स इक्वल टू जीरो पे रिलेटिव मिनिमा है. तो समझ में आता होगा कि भाई एफ डैश जीरो जो होगा वो कंफर्म्ड जीरो होगा, और जो f डबल डैश जीरो होगा वो कंफर्म्ड ग्रेटर देन जीरो होगा. ये सवाल में उसने मेरे को दिया हुआ है. आई थिंक समझ में आ गया होगा, फंक्शन डिफरेंशियबल है, कोई दिक्कत नहीं है. x इक्वल टू जीरो पे रिलेटिव मिनिमा है, लोकल मिनिमा है. इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे डी वाई बाय डी एक्स तो कितना होगा जीरो, और x इक्वल टू जीरो पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमा है. अब सवाल में उसने मेरे को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन और दे दिया. मैं कॉपी कर रहा हूं, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, उसने ये फंक्शन मेरे को और दे दिया. y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन और दे दिया, और बोल रहा है कि भाई इसका भी x इक्वल टू जीरो पे क्या है रिलेटिव मिनिमा. हाँ भाई, एक बार जरा मुझे ये बताओ, एफ एक्स डिफरेंशियबल था तो मुझे लगता है ए एक्स प्लस बी तो डिफरेंशियबल होता ही है, ये ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशियबल है. x इक्वल टू जीरो पे क्या लाना है रिलेटिव मिनिमा, और अगर x इक्वल टू जीरो पे रिलेटिव मिनिमा लाना है तो वॉट इज द प्री रिक्वायरमेंट कि भाई डी वाई बाय डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो. भाई अगर x इक्वल टू जीरो पे रिलेटिव मिनिमा लाना है तो x इक्वल टू जीरो पे कंफर्म्ड डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो. हाँ भाई, बट इट्स नॉट सफिशियंट. सफिशियंट की अगर बात करें तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू एट x इक्वल टू जीरो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. सवाल में बोल रखा था कि भाई इसका x इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा लाओ, तो x इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा लाने के लिए नेसेसरी कंडीशन इज dy by dx at x equals to 0 has to be 0, और सफिशिएंट कंडीशन इज d2y by dx2 at x greater than x equals to 0 must be greater than 0. तो बस कुछ भी नहीं, dy by dx तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं. एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का तो जीरो हो ही गया. ठीक है, बात किस पॉइंट पर कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश ऑफ जीरो प्लस ए दैट हैज टू बी जीरो.
हाँ भाई, एफ डैश जीरो सवाल में दिया था क्या? जीरो। तो चेक करिए भाई, ए की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, जीरो। चलिए भाई ये भी एक बार कर ही देते हैं। हाँ भाई, डी वाई बाय डी एक्स आप लोग निकाल चुके हो, मुझे क्या निकालना है, डी टू वाई बाय डी एक्स टू। तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू भी निकाल देते हैं। एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स, और ए का डेरिवेटिव जीरो। बात कहां करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या आया, एफ डबल डैश जीरो। और देख सकते हो एफ डबल डैश जीरो सवाल में दिया है क्या, ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। तो मेरे को बताओगे एक्स इक्वल टू जीरो पे डी वाई बाय डी एक्स जीरो करने से ए क्या आ गया, जीरो। मिनिमा मिल गया, बी पे डिपेंडेंट नहीं रहा। इसका मतलब इस फंक्शन का अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे मिनिमा ऑप्टेन कर रहा है तो ए को तो कंफर्म्ड जीरो होना पड़ेगा, बी पे डिपेंड नहीं करेगा। बी में टेक एनी वैल्यू, बी कुछ भी ले सकता है क्योंकि बी पे तो डिपेंड किया ही नहीं। बी बिलोंग्स टू आर, ए जीरो बी बिलोंग्स टू आर, ए जीरो बी बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा लॉजिक था भाई। उसने इस फंक्शन के लिए बोला था कि लोकल मिनिमा है, इसका मतलब यहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू जीरो पे, उसके लिए ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो बस एक्स इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव को जीरो कर दिया, ए जीरो आ गया, और डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव कर दिया, वो तो है ही है। तो ए की वैल्यू तो जीरो आ गई और पूरा सवाल बी के इंडिपेंडेंट रहा, तो बी कैन टेक एनी वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम भी आसान ही है, चाहो तो इसे मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है इसे मीडियम के लिए कुछ खास है भी है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिए। एफ एक्स एक फंक्शन पढ़ लीजिए, फंक्शन में दिया एक्स प्लस टू जब एक्स माइनस वन से जीरो है, वन जब एक्स जीरो है, एक्स बाई टू व्हेन एक्स जीरो से लेकर वन है, ठीक है भाई। पीस वाइज डिफाइन कर दिया, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन कर दिया। हाँ भाई, इंटरवल माइनस वन से लेकर वन तक की बात करनी है, आगे पीछे नहीं जाना। फंक्शन है, ऑप्शन ए में बोला है कि मिनिमा आएगा, ऑप्शन बी में बोला है मैक्सिमा आएगा, ऑप्शन सी में बोला है कि मिनिमा या मैक्सिमा तो जरूर आएगा, और ऑप्शन डी में बोला है कि मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है ये फंक्शन तो बहुत ही आसान है, चाहो तो ग्राफ बना लो, और ग्राफ बनाओगे तो सब कुछ बहुत इजीली आपको दिख जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं, हम लोग ग्राफ ही बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ मुझे लग रहा है बेहद आसान है, लीनियर है, एक्स प्लस टू एक्स बाई टू, हम लोग ग्राफ ही बना लेते हैं। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें भाई, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहले किसकी लाइन बनेगी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू की। तो मैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन बना देता हूं आपके लिए। ये तो पता है y को y इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स को जीरो डालने पे y कितना आएगा भाई हमारे पास, टू। तो यहां पर एक पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जीरो कमा टू, और y को जीरो पुट करने पे x कितना आएगा, माइनस टू। तो वो पॉइंट कहीं यहां पर होगा, माइनस टू कमा जीरो, ठीक है भाई। तो हमें लाइन बनानी है y इक्वल टू एक्स प्लस टू की, वो बनने वाली है इनको ज्वाइन करके, बट बनानी है सिर्फ माइनस वन से लेकर जीरो तक। तो पूरी लाइन में नहीं बना रहा हूं, हल्की फुल्की सी लाइन बना रहा हूं। बना सकते हैं सारे, बना लेते हैं। तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस टू की हमारे पास बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, यहां पर x कितना है आराम से निकाल सकते हो, यहां पे x है वन, ठीक है। और ये x इक्वल टू कितना था, माइनस वन, समझ में आ रहा होगा। और जीरो पे क्या लगाना है, ओपन, तो जीरो पे मैं लगा देता हूं ओपन। तो आई थिंक समझ में हमको आराम से आ गया होगा, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद बोल रखा है कि x इक्वल टू जीरो पे तो वन लेना है, तो x इक्वल टू जीरो पे हम लोग वन ले लेते हैं, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा।
इसके बाद लाइन क्या बनानी है, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, ये लाइन तो ऑरिजिन से पास करेगी ही करेगी, और लाइन को सिर्फ कहां से कहां तक ले जाना है, जीरो से लेकर वन तक ले गए भाई। जीरो पे क्या बनाना है, ओपन, और यहां क्या बनाना है, क्लोज। यहां पे एक्स कितना है, वन, और समझ में आता होगा कि यहां पर वाई कितना आने वाला है, वन बाय। ठीक है भाई, हमारा ग्राफ बन के तैयार है, कुछ भी नहीं किया, बहुत इजीली मैंने ग्राफ बना दिया। y इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन ये रही, माइनस वन से जीरो के बीच में, x इक्वल टू जीरो पे वन था तो वो ये वाला पॉइंट हो गया, और y इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन हम लोगों ने ये बना दी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ में कहीं मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है, ये तो समझ में आता है कि भाई मैं एंड पॉइंट पर तो बात करता ही नहीं मैक्सिमा मिनिमा की, सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है जीरो, जो कि मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं है, और ये समझ में आता है कि ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। और अगर ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस है तो किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट से आप मैक्सिमम मिनिमा नहीं बता सकते, आपको बेसिक डेफिनेशन यूज करनी ही पड़ेगी। तो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ जीरो माइनस, और f of 0 में देखना होगा कौन बड़ा है। ग्राफ क्लियरली हमको बता रहा है कि f of 0 minus h f of 0 से बड़ा है। ठीक है, एंड इसके बाद f of 0 plus और f of 0 को कंपेयर करना पड़ेगा। देखते हैं, f of 0 plus h हमारे पास ये है और f of 0 ये है, क्लियरली दिख रहा होगा f of 0 बड़ा, और मुझे लगता है फंक्शन में x इक्वल टू जीरो पे ना मैक्सिमा आया ना मिनिमा आया, फंक्शन तो x इक्वल टू जीरो पे कैसा है, डिक्रीजिंग। बट x इक्वल टू जीरो fx इज डिक्रीजिंग, तो कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं है इस प्रॉब्लम में। बात सिर्फ कहां करनी थी, एंड पॉइंट पे तो करनी ही नहीं होती, जीरो पे बात कर लेते हैं, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, सारे डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएंगे, जीरो पे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन ही सिर्फ काम करेगी, बेसिक डेफिनेशन से देख लिया कि भाई f of 0 minus h सबसे बड़ा है, f of 0 यहां है और f of 0 plus यहां, h यहां है, फंक्शन डिक्रीज करते हुए जा रहा है। ये आप चाहो तो मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो, पर मुझे तो लगता है सवाल काफी आसान है, कुछ खास काम किया ही नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। उसने मेरे को एफ एक्स दिया है, उसने मेरे को इंटरवल दिया है, और वो मुझसे एफ एक्स की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, कॉस ऑफ पाई एक्स प्लस टेन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इंटरवल क्या दिया है उसने भाई हमको, माइनस टू से लेकर थ्री, और इस इंटरवल में क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और अब हमें ये तो पता है कि भाई किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, या फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x का साइन इन द गिवन इंटरवल। तो चलो निकालते हैं, f डैश ऑफ x, cos pi x का डेरिवेटिव माइनस pi sin pi x, tan x का डेरिवेटिव 10, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और इंटरवल हमें क्या दिया है, माइनस टू से लेकर। ठीक है भाई, और हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव या दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, या दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यानी हमें बताना है, समझ में आ रहा होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 बीच में माइनस पाई साइन पाई एक्स, तो हमें ये समझ में आ ही रहा होगा, हमें बताना है कि ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है। इसका मतलब हमें इसको और इसको आपस में क्या करना है, कंपेयर।
दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शन है, ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एंड वी हैव टू कंपेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन ऑफ देम इज क्वाड्रेटिक, अनदर वन इज ट्रिग्नोमेट्री, वी कैन मेक यूज ऑफ द रेंजेस। हमें क्वाड्रेटिक की रेंज भी आती है और हमें ट्रिग्नोमेट्री की रेंज भी आती है, तो हम रेंज का फायदा उठा सकते हैं, उठा लेते हैं। हाँ भाई, 3 × x² + 2x + 10 हमारे पास, या फिर एक मिनट लिख देता हूं, ठीक है। तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया x² + में कितना आया 2x और प्लस में कितना आया 10/3। हम लोग क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल रहे हैं, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक की रेंज इजीली परफेक्ट स्क्वायर बना के निकल सकती है। 3 × परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा एक 1 है जो माइनस करना पड़ेगा, तो आई थिंक ब्रैकेट में आप लोग चेक कर सकते हो, इट इज कमिंग आउट टू बी 7/3 माइनस में पाई साइन पाई एक्स। बस हो गया सवाल हमारे पास, तो ये आ गया 7 + 3 × x + 1 का होल स्क्वायर - π sin π x। आई थिंक आपको यूं ही दिख गया होगा। हाँ भाई, ये समझ में आ रहा है या नहीं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा 7 या 7 से बड़ा होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा -π से लेकर π होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली 7 या 7 से बड़ा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डेफिनेटली -π से π है। तो कंफर्म्ड है कि भाई f'x हमेशा क्या आ गया, पॉजिटिव। आई थिंक समझ में आपको आ ही गया होगा, ये 7 या 7 से बड़ा है, ये -π से π के बीच का नंबर है, तो कंफर्म f'x इज बेटर देन 0। साइन पता लग गया, और साइन पता लग गया तो fx हमारा जो इंटरवल था उसमें इंक्रीजिंग है, उसमें क्या ओवरऑल fx हमारे पास इंक्रीजिंग ही है। सवाल में क्या पूछी थी, मिनिमम वैल्यू, और देख लो अगर फंक्शन इंक्रीज करता है तो मिनिमम वैल्यू यहीं ऑब्टेन होगी, कहां पे -2 पे, यानी वी हैव टू फाइंड f(-2)। f(-2) हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, x की जगह मैं क्या डाल दूं -2 डाल दें, x की जगह डाल दीजिए -2, ठीक है f(-2)। तो x की जगह जब -2 डालेंगे तो इट विल बी cos 2π, दैट वुड बी 1। -2 डालने पर -20, -2 डालने पर +12 और -2 डालने पर -8, तो चेक कर सकते हैं दैट इज कमिंग आउट टू बी -15। तो आंसर इज बी, कुछ भी नहीं किया, जल्दी से बात कर देता हूं। हाँ भाई, ये फंक्शन दिया था एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम किसी भी इंटरवल में निकालने के लिए फर्स्ट फंक्शन को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नॉन मोनोटॉनिक है। इसका मतलब f dash x का साइन, साइन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ये क्वाड्रेटिक था या ट्रिग्नो था, तो दोनों डिफरेंट तरह के फंक्शंस थे, बट दोनों की रेंज हमें पता है, तो हमने दोनों की रेंज निकाल ली। क्वाड्रेटिक की रेंज 7 से ∞ आई, ट्रिग्नो की रेंज -π से लेकर π आई। तो समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, मिनिमम वैल्यू -2 पर ही आएगी, f(-2) निकाल दिया। सवाल आसानी है, चाहो तो आप इसे मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो, बट सवाल तो काफी आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम में f'x > g'x उसने आपको दिया है फॉर ऑल रियल x, ठीक है। f(0 = g(0) दिया है और सवाल में पूछा है f(x) < g(x) फॉर ऑल x∈ 2, यानी हमें इस सवाल में एक इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, और इनइक्वलिटी क्या है f(x) < g(x), और मैं मैथमेटिक्स में किसी भी तरह की इनइक्वलिटी सॉल्व कर सकता हूं, किसी भी तरह की इनइक्वलिटी को मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक फंक्शन h(x) ले लेते हैं और वो सारे वेरिएबल को एक ही तरफ लाके ले लेते हैं।
तो फंक्शन मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मैथमेटिक्स में ये इनइक्विटी सॉल्व करके इंटरवल निकालना है। किसी भी इनइक्विटी को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में वी कैन फर्स्ट स्टेप वी कैन अज्यूम अ फंक्शन। फंक्शन के लिए सारे वेरिएबल्स को एक ही तरफ ले आओ। तो भाई मैंने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया। फंक्शन अज्यूम करने के बाद कमेंट अपॉन इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर इन द गिवन इंटरवल। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि सवाल में जो इंटरवल है दैट इज माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी फॉर ऑल रियल एक्स सवाल में हमको बात करनी है। तो मैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट कर दूंगा। कैसे? डेरिवेटिव निकाल के। तो एच डैश ऑफ एक्स विल कम आउट टू बी एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स। अब सवाल में दिया ही था कि एफ डैश एक्स जी डैश एक्स से बड़ा है, तो कंफर्म्ड हमारे पास एच डैश एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव इन द कंप्लीट इंटरवल। इसका मतलब एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया? इंक्रीजिंग। तो भाई फंक्शन माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक क्या करते हुए जा रहा है? इंक्रीज करते हुए जा रहा है। फंक्शन लगातार माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक इंक्रीज करते हुए जा रहा है। और लास्ट स्टेप किसी भी इनइक्वालिटी को प्रूफ करने का क्या होता है? कंपैरिजन। तो अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। कर लें, इंटरवल से समझ में आ रहा होगा, एक बार माइनस इनफिनिटी से जीरो, एक बार जीरो से इनफिनिटी। चलो एक बार एक्स को मैं माइनस इनफिनिटी से जीरो ले लेता हूं। ठीक है, इसका मतलब एक्स को यहां लेना है। ग्राफ मुझे बता रहा है कि भाई एच एक्स बड़ा होगा या एच जीरो बड़ा होगा। क्लियरली एच जीरो बड़ा होगा। एच एक्स इज लेस देन एच जीरो। और आप लोग देख सकते हो कि भाई एच ऑफ जीरो वुड बी एफ ऑफ जीरो माइनस जी ऑफ जीरो। और सवाल में एफ ऑफ जीरो और जी ऑफ जीरो क्या दिए थे? बराबर। तो भाई एच एक्स हमारे पास क्या आ गया? लेस देन जीरो। एच एक्स क्या था? एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो। एफ एक्स लेस देन क्या हो गया? जी एक्स। यानी भाई ये इंटरवल तो हो गया। एक बार अब जीरो से इन्फिनिटी वाला इंटरवल भी ले ही लेते हैं। अगर एक्स जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, अगर एक्स यहां है, तो बताओ कौन बड़ा होगा, एच एक्स या एच जीरो? साफ साफ ग्राफ से पता लग रहा है कि एच एक्स एच जीरो से बड़ा होगा। एफ एक्स जो आएगा वो जी एक्स से बड़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया कि माइनस इनफिनिटी से जीरो में एफ एक्स जी एक्स से छोटा है और जीरो से इनफिनिटी में एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है। प्रॉब्लम में एफ एक्स जी एक्स से छोटा पूछा था, तो आंसर इज माइनस इनफिनिटी से जीरो। बहुत आसान है। हाँ भाई, कैसे? इनइक्वलिटी मैथमेटिक्स में किसी भी तरह की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लाके उसके बाद उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट किया तो इंक्रीजिंग आ गया। और उसके बाद में एच ऑफ एक्स को और एच ऑफ एंड पॉइंट्स का कंपैरिजन, यानी एच ऑफ एक्स का कंपैरिजन विद एच ऑफ जीरो। तो एक बार एक्स को यहां मान के कंपैरिजन कर दिया और एक बार एक्स को यहां मान के। जब एक्स यहां माना तो एच जीरो एच एक्स से बड़ा होगा, एक्स को यहां माना तो एच एक्स जो होगा वो एच जीरो से बड़ा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चाहे तो इस प्रॉब्लम को हम लोग मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आसान तो प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सपोज दैट एफ इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, यानी मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और बोल रखा है एफ डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। यानी जहां पर डी वाई बाय डी एक्स जीरो है वहां पर डी टू वाई बाय डी एक्स टू जीरो नहीं है, और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, कुछ भी सवाल में करना नहीं है, बस थ्योरेटिकल सवाल है, बहुत आराम से बात कर सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट यानी जहां पर डी वाई बाय डी एक्स जीरो है वहां पर डी टू वाई बाय डी एक्स टू जीरो नहीं है। मैं आपके लिए सारी पॉसिबिलिटी क्यूबिक की दिखा देता हूं
क्यूबिक तो मुझे लगता है बहुत सिंपल होता है, ठीक है भाई। क्यूबिक की हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। हाँ भाई, तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। समझ में आता होगा ये ग्राफ कब है, जब तीन अलग अलग रूट हैं। ये ग्राफ कब है, जब सिर्फ दो रूट हैं, दो रूट कोइंसाइड कर रहा है। ये ग्राफ कब है, जब रूट एक ही है, तीनों रूट क्या कर रहे हैं भाई, कोइंसाइड कर रहे हैं। और ये ग्राफ कब है, जब रूट एक ही है, बाकी दो रूट इमेजिनरी है। इस केस में एग्जैक्टली एक रूट है, ऑल द थ्री रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। और इस केस में एग्जैक्टली एक रूट, ऑल एंड बट टू रूट्स आर इमेजिनरी। समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। हाँ भाई, देख लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ, आपको समझ में आया होगा इस ग्राफ में ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, है, और इस पॉइंट पर डी टू वाई बाय डी एच टू कंफर्म्ड नेगेटिव है, लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, और इस पॉइंट पर डी टू वाई बाय डी एच टू कंफर्म्ड पॉजिटिव है, क्योंकि लोकल मिनिमा दिख रहा है, ठीक है भाई। सवाल ने बोल रखा था जहां पर स्टेशनरी पॉइंट है, तो एक स्टेशनरी पॉइंट ये, एक स्टेशनरी पॉइंट ये, और डी टू वाई बाय डी एक्स टू स्टेशनरी पॉइंट पर जीरो नहीं है। इसका मतलब दिस ग्राफ में बी द पॉसिबिलिटी। और इस ग्राफ में कितने स्टेशनरी पॉइंट आए हमारे पास, दो, ठीक है। इस ग्राफ पर आते हैं, इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक स्टेशनरी पॉइंट ये है और ये एक स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास ये है। हाँ भाई, इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, तो इस ग्राफ में बात कर सकते हैं, इस ग्राफ में यहाँ पे डी टू वाई बाय डी एक्स टू पॉजिटिव है, लोकल डी टू वाई बाय डी एक्स टू नेगेटिव है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे डी टू वाई बाय डी एक्स टू पॉजिटिव है, क्योंकि लोकल मिनिमा, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट, और डी टू वाई बाय डी एक्स टू कहीं पर भी जीरो नहीं आया, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अब आते हैं हम लोग इस ग्राफ पर। इस ग्राफ में मुझे लगता है स्टेशनरी पॉइंट है ही नहीं, दिख रहा है डी वाई बाय डी एक्स कहीं भी जीरो है ही नहीं। सवाल ने बोला था कि जहां पे स्टेशनरी पॉइंट आता है वहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है ही नहीं, तो ये ग्राफ भी हमारे पास क्या हो गया, पॉसिबल। सवाल में यही बोला था कि किसी भी स्टेशनरी पॉइंट पर डी टू वाई बाय डी एक्स टू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इस ग्राफ में स्टेशनरी पॉइंट है ही नहीं, तो ग्राफ पॉसिबल हो गया। अब आते हैं हम लोग इस वाले ग्राफ पर, और अगर हम लोग इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखें, तो इस वाले ग्राफ में इस पॉइंट पर डी वाई बाय डी एक्स जीरो है और डी टू वाई बाय डी एक्स टू भी जीरो है, तो ये ग्राफ इस डायग्राम में हमको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, समझ में आ गया होगा कि भाई जहां पर स्टेशनरी पॉइंट है वहां पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि भाई ग्राफ में या तो दो स्टेशनरी पॉइंट होंगे या फिर एक भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एफ एक्स में सिर्फ एक ही स्टेशनरी पॉइंट हो। हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई अगर एफ एक्स में एक ही स्टेशनरी पॉइंट है तो वहां पर डी टू वाई बाय डी एक्स टू कंफर्म्ड जीरो होगा। हाँ भाई, तो बोल रहा है एफ एस एग्जैक्टली वन स्टेशनरी पॉइंट, गलत, क्योंकि एफ में अगर एक भी स्टेशनरी पॉइंट, एफ एक्स एज एग्जैक्टली वन स्टेशनरी पॉइंट, अगर एफ में अगर एग्जैक्टली एक स्टेशनरी पॉइंट आया तो वहां पर डी टू वाई बाय डी एक्स टू भी जीरो होगा। तो हमें समझ में आ गया कि एफ मस्ट हैव नो स्टेशनरी पॉइंट और एग्जैक्टली टू स्टेशनरी पॉइंट, तो डी वुड बी द आंसर। कुछ नहीं है, ग्राफ से ही हम लोगों ने देख लिया भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा सवाल है, पर इस तरह के सवाल हम लोगों ने काफी सॉल्व किए हुए हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया हुआ है
और x माइनस 18 दिया हुआ है, इंटरवल उसने मेरे को सवाल में दिए हुए हैं, लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 3, लोकल मिनिमा लाना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमें x इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा लाना है। अब देखो x इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा लाना है, तो लोकल मिनिमा के लिए डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, बट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाते हैं जब फंक्शन वहां पर क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, वी कांट से, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ a। x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि a पर LHL डिपेंड करेगी, ठीक है। तो 3 पर जब हमें कॉन्टिन्यूटी का ही आइडिया नहीं है तो हम डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे, अपना बेसिक रूल लगाएंगे, बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे। x इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा, इसका मतलब कि भाई f ऑफ 3 प्लस एच जो होगा वो एफ ऑफ 3 से बड़ा होगा, एंड एफ ऑफ 3 माइनस एच भी जो होगा वो एफ ऑफ 3 से बड़ा होगा। 3 पर अगर लोकल मिनिमा है तो 3 पर नेबरहुड के कंपैरिजन में आंसर सबसे छोटा होगा। इफ वी हैव लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 3, इट मीन्स एट एक्स इक्वल टू 3 विल गेट द मिनिमम आंसर व्हेन कंपेयर टू इट्स नेबर्स। जब इसके नेबर से कंपेयर करें तो एक्स इक्वल टू 3 पे सबसे कम आंसर आएगा। चलो एफ ऑफ 3 प्लस एच, ये तो पता है एफ ऑफ 3 प्लस एच यहां से निकलेगा, एक्स को 3 प्लस एच डाल देता हूं, तो क्या आया 3 प्लस एच माइनस 18 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 3, एक्स को 3 डाल देता हूं, तो यहां आया माइनस 15 प्लस एच ग्रेटर देन माइनस 15, ये तो आई थिंक ट्रू है ही, माइनस 15 प्लस एच माइनस 15 से बड़ा होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब निकालते हैं एफ ऑफ 3 माइनस एच, ये समझ में आ रहा होगा एफ ऑफ 3 माइनस एच यहां से निकलेगा, तो एक्स की जगह डाल देता हूं 3 माइनस एच, डाल दीजिए भाई 4 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस एच, माइनस एक्स क्यूब यानी 3 माइनस एच का होल क्यूब, प्लस बहुत बड़ा क्वांटिटी है उसको हम बाद में लिख लेंगे, उसको मैं अभी के ले रहा हूं, इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 हमने निकाला था माइनस 15, तो एफ ऑफ 3 इज माइनस 15, ठीक है। के पे ही कमेंट करना है, समझ में आ रहा होगा ए की वैल्यू ही निकालनी है तो के पे पहले कमेंट कर लेते हैं। हाँ भाई, के इज ग्रेटर देन माइनस 15 प्लस 3 माइनस, थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे 4 इंटू में क्या था 3 माइनस एच, यही था ना भाई, हाँ, प्लस 3 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस एच, बहुत सिंपल चल रहा है। के इज ग्रेटर देन माइनस 15 प्लस, मुझे लगता है 3 माइनस एच तो हमारा कॉमन है, 3 माइनस एच कॉमन आने के बाद क्या आ गया 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, थोड़ी सी कैलकुलेशन चल रही है, के ग्रेटर देन माइनस 15 प्लस 3 माइनस एच, ब्रैकेट में आप लोग चेक कर सकते हो, वी आर गेटिंग एच स्क्वायर माइनस 6 एच प्लस। हेलो भैया, हाँ हेलो 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 विशाल, हेलो
हेलो हेलो हेलो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारे पास k ग्रेटर देन -15 प्लस 3 माइनस h, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5, ये हमारे पास आ गया। ठीक है भाई। तो क्या आया k ग्रेटर देन -15 प्लस, एक बार दोबारा लिख रहा हूं, 3 माइनस h इंटू एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5। ध्यान से एक बार देख लेता है, ये हमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये नंबर 3 से छोटा है। पता लग रहा है ये नंबर 3 से छोटा है, ये हमें समझ में आ रहा होगा ये नंबर 5 से छोटा है। तो ये ओवरऑल नंबर क्या हुआ, 15 से छोटा। तो 15 से छोटा बोले तो 14.999999 टाइप्स। तो बेटा हमारे पास की ग्रेटर देन कुछ क्या आ गया, -0.00001 टाइप्स हमारे पास आ गया। तो k क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक हम लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एक बार दोबारा बात कर लेंगे, पहले एक बार खत्म कर लेते हैं। k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k हमने किसको बोला था, ln ऑफ a स्क्वायर -3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर -3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर -3a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस अब आप लोग चेक कर सकते हो, फैक्टराइज हो गया है, ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 यहां मार्क कर लिया, 2 यहां मार्क कर लिया, तो ए बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इनफिनिटी। आंसर इज बी। तो आई थिंक हम लोगों को समझ में आ गया होगा फंक्शन में x इक्वल टू 3 पर क्या था, लोकल मिनिमा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है नहीं पता, कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते। तो बस बेसिक डेफिनेशन, f ऑफ 3 प्लस h f ऑफ 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ 3 माइनस h f ऑफ 3 से भी बड़ा होगा, पूरी कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहां तक आ गए। ये नंबर कंफर्म्ड 3 से छोटा है, ये नंबर कंफर्म 5 से छोटा है, ओवरऑल ये नंबर 15 से छोटा है, 14.9999 टाइप्स है। तो ये नंबर कुछ जो हुआ वो -0.0001 टाइप्स हो गया। तो के अगर -0.00001 से बड़ा है तो के में भी 0 और के में भी ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर दिया, के की वैल्यू हमारे पास आ गई, डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग लगा ही नहीं सकते थे सवाल में। ठीक है भाई, तो चाहे तो हम इस सवाल को मीडियम की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम है, ध्यान से बस करना है और वर्कबुक में हमने किया हुआ है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी इस तरह के सवाल भी हम लोगों ने वर्कबुक में काफी किए हुए हैं। एक फंक्शन है fx, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर एन हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6। सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 पर क्या है, लोकल मिनिमम। ठीक है भाई, और ये पता है पावर एन है, हम चाहें तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं कि भाई x इक्वल टू पाई बाय 6 पर उसने क्या बोला है, लोकल मिनिमा। देखते हैं, और ये पता लग रहा होगा पाई बाय 6 इसका ही रूट है, x को पाई बाय 6 डालू तो ये 0 आ रहा है। हाँ भाई, ध्यान से एक बार देखते हैं बेटा, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये तो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 है। ठीक है, पाई बाय 6 डालने पर ये क्या आ रहा है, 0। तो एक बार देख लेते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई,
6 डालने पर तो आंसर कितना आ रहा है? 0। अब हमें समझ में आता है कि अगर हम x को यहां का कोई नंबर डाले, मतलब पाई बाय सिक्स से बड़ा डाले, तो x को पाई बाय सिक्स से बड़ा डालोगे तो ये वाली वैल्यू 1/4 से बड़ी आएगी, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और अंदर ब्रैकेट के क्या हो गया, पॉजिटिव, n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी इस इंटरवल में y पॉजिटिव है, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास है। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास है, पॉजिटिव है, पता लग रहा है कि भाई पॉजिटिव है, कुछ इस तरह की बात हमारे पास है, समझ में आ गया होगा। ये तो पॉजिटिव है जब x इस इंटरवल में है पाई बाय सिक्स से बड़ा, यानी साइन x हाफ से बड़ा, साइन स्क्वायर x 1/4 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा, ये पॉजिटिव की पार n पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब हम इस इंटरवल आप पे आते हैं कि x पाई बाय सिक्स से छोटा, x पाई बाय सिक्स से छोटा, अगर x पाई बाय सिक्स से छोटा है, अगर x पाई बाय सिक्स से छोटा है तो साइन x हाफ से छोटा है, साइन स्क्वायर x 1/4 से छोटा है, 4 साइन स्क्वायर x 1 से छोटा है, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव पर पार क्या लगा है, n। तो हमें समझ में आता है कि भाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव पर पार n है। अगर मैंने n को इवन कर दिया, अगर मैंने n को इवन कर दिया, n को अगर मैं इवन कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ गया। ये कब है, अगर n इवन है। हाँ भाई, हाँ ये नंबर कैसा था, नेगेटिव, नेगेटिव की पार अगर मैंने ऑड कर दिया तो नेगेटिव ही आ गया, और नेगेटिव ही आ गया, अगर ऑड कर दिया तो नेगेटिव ही आ गया। तो ये कब है, जब n ऑड है। बस अब आप लोग देख सकते हो कि भाई अगर इस तरह का ग्राफ है तो पाई बाय सिक्स पर लोकल मिनिमा है, और अगर इस तरह का ग्राफ है तो पाई बाय सिक्स पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सवाल में क्या बोला था कि पाई बाय सिक्स पर क्या लाना है, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा के लिए एन को क्या होना पड़ेगा, एक इवन नंबर, तो एन हैज टू बी एन इवन नंबर, एन हमारे पास एक इवन नंबर हो गया, आसानी है। ठीक है भाई, तो चाहे तो हम लोग इसे भी मीडियम की कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। एक फंक्शन है 4x³ - x² - 2x+1, gx हमारे पास मिनिमम, ft व्हेन t वेरीज फ्रॉम 0 से x, जब x 0 से लेकर 1 के बीच में है और 1 से 2 के बीच में, तो फंक्शन इज 3 - x, और हमें g ऑफ 1/4, g ऑफ 3/4, g ऑफ 5/4 पूछा है। ठीक है, ये नोटेशन हम लोगों ने देखी हुई है कि gx हमारे पास ये है मिनिमम, ft पर डिपेंड कर रहा है, यानी ft के मिनिमम वगैरह की बात करनी है। तो भाई पहले मैं fx को कॉपी कर रहा हूं, 4x³ - x² - 2x+1, g निकालना है, g के लिए मिनिमम और ft, ft की मिनिमम पे कमेंट करना है, तो भाई हम लोग वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट पहले करके रख लेते हैं। हाँ भाई, f डैश ऑफ x निकालिए, इंटरवल 0 से 1 में बात कर रहे हैं। हाँ, 12x² - 2x - 2, 2 शायद कॉमन आ गया, 6x² - x - 1, ये हमारे पास आराम से आ गया, इसको हम लोग आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, 2 × 3x + 1 × 2x - 1, इजीली आप लोग फैक्टराइज कर लीजिए भाई इसको, 2x - 1 हो गया। हाँ भाई, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई जी चाहिए, मिनिमम एफ टी की बात करनी है और वो सिर्फ 0 से 1 में बात करनी है, और एफ की मिनिमम की बात करनी है, तो मैं डीवाई बाई डिक्स निकाल के रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इक्वल टू 0 करूं तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारे पास, हाफ। ठीक है, x एक -1/3 आएगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन x इक्वल टू -1/3, यानी इस हाफ पर हमें क्या मिल रहा होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, देखते हैं पता लग जाएगा या नहीं लगेगा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, हाँ भाई,
ये जी निकालना है, जी के लिए एफ की बात करनी है, एफ का लोकल मिनिमा हमारे पास हाफ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ गया है, एफ की बात 0 से 1 में करनी है। हल्का फुल्का सा एक रफ ग्राफ आपके लिए मैं स्केच कर देता हूं, ठीक है भाई? हाँ, सिर्फ 0 से 1 में बात करनी है, तो 0 से 1 में बात करनी है और हाफ पर हमारे पास लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकला ही था। हाँ भाई, हम सारे लोग एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं, चेक करो, एफ ऑफ 0 इज कमिंग आउट टू बी 1, तो यहां कोई पॉइंट हो गया। हम सारे लोग एफ ऑफ 1 निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 1 4 + 1 5 - 3 2, एफ ऑफ 1 इज कमिंग आउट टू बी 2, तो यहां पर एक पॉइंट हमारे पास आ गया, एफ ऑफ 1 इज 2 आ गया भाई, आ गया। अब हमें निकालना है एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ एक्स को डाल देते हैं हाफ, यहां पर सारे लोग एक्स को हाफ डाल दीजिए, तो क्या आएगा, 4 × 1/8 - 1/4 - 2 × ½ + 1, चेक करो, एफ ऑफ हाफ इज कमिंग आउट टू बी 1/4, तो वो हमारे पास यहां पे कहीं आ गया, ठीक है? तो रफ स्केच आप लोग अब बना ही सकते हो, ये पॉइंट इससे ज्वाइन होगा और ये पॉइंट इससे ज्वाइन होगा। ये हमने किसका ग्राफ बना दिया भाई, ये हम लोगों ने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, बना दिया, कुछ भी नहीं किया, समझ में आ गया होगा, एक बार बाद में दोबारा एक बार देख लेंगे। हाँ भाई, अब मुझे चाहिए जी एक्स, ठीक है? जी एक्स में मिनिमम ऑफ एफ टी लेना है, क्या लेना है भाई, मिनिमम ऑफ एफ टी लेना है, और टी को कहां से कहां तक मूव कराना है, 0 से लेकर x तक, और x को कहां रखना है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है? हमें ये समझ में आता है या नहीं, अगर मैं x को 0 से ½ तक रखू, x को अगर मैं 0 से ½ तक रखू, 0 से ½ तक कहीं भी, लेट से मैंने x को यहां रखा, ठीक है? अब t को कहां मूव कराना है, 0 से लेकर x तक, तो t को अगर तुम 0 से लेकर x तक मूव कराओगे तो 0 करने पर मिनिमम कहां पे आ रहा है, x पे, क्या आ रहा है, f of x। अगर आप x को 0 से ½ के बीच में यहां रख देते हो, पोजिशन चेंज कर देते हो, t को 0 से लेकर x तक मूव कराते हो, तो मिनिमम अगेन कहां आ रहा है, x पे, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी, x पे आई, और क्या आई, f ऑफ x आई, यानी 4x³ - x² - 2x + 1 ही आई आई। अगर x को हम लोग हाफ से लेकर 1 तक कर देते हैं, एक बार देख लो, x को अगर हम इस इंटरवल में रख देते हैं, x को लेट से हमने यहां रख दिया हाफ से 1 में, और अब t कहां से कहां मूव कराना है, 0 से x, तो t को 0 से लेकर x तक लेके जाओ, दिख रहा है मिनिमम वैल्यू तो हाफ पर ही आ रही है और 1/4 ही आ रही है। अगर आप x की पोजीशन चेंज कर दो, लेट से x को यहां रख दिया, और अब t को कहां से कहां तक मूव कराएंगे, 0 से लेकर x तक मूव कराएंगे, t को 0 से लेकर x तक मैंने मूव करा दिया, मिनिमम वैल्यू अगेन हाफ पर ही आ रही है, और कितनी आ रही है, 1/4 ही आ रही है, 1/4 ही आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या आ गई, 1/4। लास्ट 1 से 2 में तो फंक्शन हमें उसने क्या दिया है भाई, 3 - x आ गया, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद तो g ऑफ क्या पूछा है, 1/4 + g(3/4) + g(5/4, ठीक है? जी ऑफ 1/4 कहां से निकलेगा, यहां से, जी ऑफ 3/4 कहां से निकलेगा, यहां से, और जी ऑफ 5/4 कहां से निकलेगा, यहां से। आई थिंक, मुझे लगता है इन सबको आप ऐड तो कर ही सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल के ऐड करने पर आंसर वुड कम आउट टू बी 5/2। चाहे तो इसको थोड़ी डिफिकल्ट कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, जी की बात करनी है, जी एफ की मिनिमम वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो
तो एफ की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट कर दिया, फंक्शन में लोकल मिनिमा या मैक्सिमा आया, जीरो से वन तक चलना है तो जीरो से वन तक के बीच का रफ ग्राफ स्केच कर दिया। अगर एक्स जीरो से हाफ के बीच में था तो टी जब जीरो से एक्स तक मूव करेगा तो मिनिमा एक्स पे ऑप्टेन हो रहा है, एफ एक्स है। और अगर एक्स हाफ से लेकर वन के बीच में है, टी जीरो से लेकर एक्स तक मूव करेगा तो मिनिमा हाफ पे ही आएगा, वन बाय फोर। तो बस, और अब लास्ट में तो वैल्यूज निकाल लें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू, हाँ भाई पढ़ लीजिए, एक एफ एक्स उसने मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में बोल रहा है कि माइनस टू उसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम इज माइनस टू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम अकर एट एक्स इक्वल टू जीरो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम अकर एट एक्स इक्वल टू पाई, और एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यानी मुझे लगता है इस सवाल में ग्लोबल मिनिमम की बात भी करनी है, ग्लोबल मैक्सिमम दो जगह आ रहा है जीरो और पाई पर अलग अलग, और पाई बाय टू पर लोकल मिनिमा है या नहीं है ये भी चेक करना है। तो मुझे लगता है ये फंक्शन वैसे ही आसान सा फंक्शन है, आराम से इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो हम लोग इस फंक्शन का इजीली ग्राफ ही बना लेते हैं। ठीक है भाई, इजीली ग्राफ बन जाएगा। हाँ भाई, पहला ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक पैराबोला होगा जो जीरो और माइनस थ्री से पास करेगा, ठीक है भाई। तो यहां पर एक पॉइंट जीरो कमा जीरो और यहां पर एक पॉइंट माइनस थ्री कमा जीरो, ठीक है भाई। पैराबोला दबा, दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, रूट्स माइनस थ्री और जीरो होंगे, और सिर्फ माइनस वन से लेकर जीरो तक बनाना है। तो बना देते हैं, सिर्फ इतना पैराबोला बनेगा, माइनस वन पे क्लोज, माइनस वन पे क्लोज आएगा, जीरो पे ओपन, जीरो पे ओपन आएगा, और एक्स को माइनस वन डालने पर माइनस टू मिल रहा है। तो यहां पर ये पॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस टू। तो ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बना दिया, ठीक है। अब मुझे जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में किसका ग्राफ बनाना है, माइनस साइन एक्स का। जीरो से पाई बाय टू के बीच में किसका ग्राफ बनाना है, माइनस साइन एक्स का, बना सकते हैं। जीरो से पाई बाय टू के बीच में साइन एक्स का ग्राफ तो ये होता है, तो माइनस साइन एक्स का बनाना, तो ग्राफ नीचे चला जाएगा जीरो से लेकर पाई बाय टू। पाई बाय टू पर अभी आंसर दिख रहा है वन आ रहा है, नीचे बनाएंगे तो माइनस वन आएगा। तो भाई जीरो से पाई बाय टू में माइनस साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, पाई बाय टू, और ये क्या है, माइनस वन। समझ में आ रहा होगा भाई, है ना भाई, हाँ। जीरो पर क्या बनाना है, क्लोज, और पाई बाय टू पर क्या बनाना है, ओपन। तो जीरो पर तो कर देते हैं क्लोज और पाई बाय टू पर कर देते हैं ओपन, ठीक है। इसके बाद हमें किसका ग्राफ बनाना है, माइनस वन माइनस कॉस एक्स का। हम लोग ये भी आराम से बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये, और ग्राफ सिर्फ कहां से कहां तक बनाना है, पाई बाय टू से लेकर पाई तक। तो पता है हमको कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, ये पाई बाय टू है और यहां पे कहीं पाई है, ठीक है। हमें बनाना है माइनस कॉस एक्स का और सिर्फ पाई बाय टू से पाई में, तो ग्राफ यूं चला जाएगा, यहां पे है पाई बाय टू, यहां पे है पाई और यहां पे वन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ग्राफ बनाना था कॉस एक्स का, कॉस एक्स का बनाया, पाई बाय टू से पाई देखना है, फिर बनाना है माइनस कॉस एक्स का, तो इसको ऊपर ले गए नीचे वाले पोर्शन को, और फिर बनाना है माइनस वन माइनस कॉस एक्स का। इसका मतलब इस ग्राफ को वन यूनिट क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं। और समझ में आ रहा होगा, अगर इस ग्राफ को वन यूनिट नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस वन और ये जीरो, कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। बना देते हैं भाई, तो ये हमारे पास क्या है, पाई। पाई बाय टू पर क्या करना था, क्लोज। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही है, हर जगह वो क्लोज हो गया है। बस अब आप लोग आराम से ग्राफ को देख सकते हो और ग्राफ को देखकर सारे ऑप्शन बता सकते हो। हाँ भाई, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू माइनस टू, भाई बिल्कुल, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज माइनस टू, दैट इज अकरिंग एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो ग्लोबल वैल्यू माइनस टू है।
ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो ग्राफ से दिख रहा है ग्लोबल मैक्सिमम इज जीरो अकरिंग एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल्स टू पाई. तो बी और सी भी सही हो गए. लास्ट पाई बाय टू इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. साफ साफ दिख रहा है कि पाई बाय टू इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो ये भी सही हो गया, इसमें भी कुछ नहीं है. तो ग्राफ बना लिया, सिंपल सा ग्राफ था, और ग्राफ से सारे ऑप्शन का आइडिया लग गया. हर जगह अलग अलग बात करनी है, जीरो पर भी करनी है, पाई बाय टू पर भी करनी है, पाई पर भी करनी है, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है जो माइनस वन पर आई. तो बेटर है ग्राफ बना लिया जाए. हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल. एक फंक्शन उसने मेरे को दिया हुआ है वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू. व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू टू इज इट्स ओन इनवर्स, यानी इनवर्स निकालना है. इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं. y इक्वल टू उसने क्या दिया 2x माइनस वन अपॉन x माइनस टू. इनवर्स निकालना आता है x को इन टर्म्स ऑफ y. एक्स वाई माइनस टू वाई टू एक्स माइनस वन. ठीक है, तो एक्स वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन. एक्स कॉमन, और x कॉमन आने के बाद ये आ गया 2y माइनस वन अपॉन y माइनस टू. x की जगह y और y की जगह x. इनवर्स निकालने का तरीका यही होता है कि x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, x की जगह y और y की जगह x. हाँ भाई, तो इनवर्स हमारे पास आ गया भाई. तो y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस टू. ठीक है, इनवर्स वही आ गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसके बाद बोल रहा है डिक्रीजिंग एट ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन और नॉट. ठीक है, डिक्रीजिंग की बात करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा. डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्वेश्चन ट्रू लगेगा, लगाते हैं. एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू एज इट इज, टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव टू, बीच में माइनस टू एक्स माइनस वन एज इट इज, एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव वन. सही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूं. क्या आ गया 2x माइनस फोर माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर. तो चेक करिएगा dy वाई बाय डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर. क्लियरली इट इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x belongs टू R एक्सेप्ट एट x equals टू टू. X2 तो लेना ही नहीं था. तो डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन. इसके बाद वो मुझसे ग्राफ की बात कर रहा है, तो ग्राफ बनाना भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा. जल्दी से ग्राफ बना देता हूं मैं इसका. हाँ भाई, ग्राफ बनाने के लिए स्टार्ट करें, ग्राफ बनाते हैं. और ये पता लग रहा होगा कि भाई इस ग्राफ में x इक्वल टू टू डोमेन का पार्ट नहीं है, तो ग्राफ के लिए ऐसा करते हैं x इक्वल टू टू की लाइन भी बना देते हैं. ठीक है भाई, ये हमारी x इक्वल टू क्या हो गई भाई, टू की लाइन हो गई. चलिए ग्राफ देखें, कोई दिक्कत नहीं. हाँ भाई, ग्राफ के लिए सबसे पहले x को जीरो पुट करने पर y इज कमिंग आउट टू बी, x को जीरो पुट करने पर, x को पुट कर रहा हूं जीरो, x को जीरो पुट करने पर y is coming out to be half. दिख रहा है, x को जीरो पुट करूंगा तो माइनस वन अपॉन माइनस टू, x को जीरो पुट करने पर हाफ आ रहा है. ठीक है, इसके बाद y को जीरो पुट करके आप चेक कर सकते हो x is coming out to be half. ये वाला पॉइंट. ठीक है, इसके बाद आप चेक कर सकते हो जब x इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, x अगर इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म y 2 आएगा, यानी x जब इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो y 2 आएगा, x जब इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो y 2 आएगा, और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो भी y 2 की तरफ ही भागेगा. x माइनस इन्फिनिटी देख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेटी है, तो दिख रहा होगा x का कोफिशिएंट ऊपर 2 नीचे 1, 2 की तरफ ही भागेगा.
ठीक है, और बस इसके बाद टू पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो टू पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो टू प्लस एच पर और टू माइनस एच पर आंसर और निकाल देता हूं। हाँ भाई, जब एक्स को टू प्लस एच डालेंगे तो पता है ओवरऑल नंबर पॉजिटिव यानी प्लस इनफिनिटी। यहां पे एक्स को जब टू माइनस एच डालेंगे तो पता लग रहा होगा टू माइनस एच डालने पर नेगेटिव माइनस इनफिनिटी। तो ग्राफ बन के तैयार है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बन के तैयार हो गया। ग्राफ बन के तैयार हो गया और ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, ग्राफ से समझ में आ रहा होगा है द ग्राफ इंटायरली अब अपना एक्स एक्सिस, गलत है, एक्स एक्सिस के नीचे भी ग्राफ है, इज अनबाउंडेड, बिल्कुल ग्राफ अनबाउंडेड है, नीचे तक जा रहा है ग्राफ, भाई जा रहा है भाई, ग्राफ इज अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, तो भाई डी भी सही हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हम लोगों ने कर दिया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स की पावर 2/3। ठीक है, एफ ऑफ एक्स उसने दिया है 2x-3x की पावर 2/3, सही है। हाँ, ऑप्शन ए में वो बात करवा रहा है कि एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, 2x का डेरिवेटिv 2 - 3x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 3 (2/3 x की पावर -1/3)। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2 - 2/(x की पावर 1/3) ये आ गया। हाँ भाई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए इधर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एफ डैश एक्स फेल्स टू एक्सिस्ट। ठीक है भाई, अगर हम एफ डैश एक्स को 2 - 2/(x की पावर 1/3) को इक्वल टू 0 करें तो एक्स की वैल्यू साफ साफ 1 आ रही है, और एफ डैश एक्स अगर फेल की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो रहा है भाई, फेल हो रहा है। एक्स इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव फेल हो रहा है, यानी यहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ सकते हैं। यू कैन चेक विद द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वंस यू चेक द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हाँ भाई, तो मुझे लगता है ये जो फंक्शन है ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है ही है, दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन सी में बोला है एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल, बिल्कुल एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल बिकॉज इट इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है और 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है तो नॉन डिफरेंशियबल बोल ही देंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन बी में एफ एक्स इज कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेविटी की बात करवा रहा है तो कॉनकेविटी के लिए किसका साइन निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स का। हाँ भाई, तो हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला था, क्या निकाला था, 2 - 2 की पावर x की पावर -1/3। एफ डबल डैश एक्स आसान है, 2 का डेरिवेटिव 0, 1/3 आगे आ गया, 2/3 x की पावर -4/3, x की पावर 4/3 आ रहा है कि भाई एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही है। आपको दिख रहा होगा वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पता है ये 4 पार की वजह से क्या हो गया भाई, पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कर्व हमेशा कॉनकेव अपवर्ड्स ही होगा। बस एक ऑप्शन और रह गया है कि भाई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करनी है, कर लेते हैं भाई, एफ डबल आराम से कर सकते हैं, एफ डबल डैश 1 निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश 1 का साइन, मुझे लगता है एफ डबल डैश 1 तो हमारा क्या था, क्या था, एफ डबल डैश 1 तो हमारा पॉजिटिव था, आपने ही बोला एफ डबल डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश 1 है पॉजिटिव,
इसका मतलब वन पे क्या आ गया, लोकल मिनिमा। और ये पता है ना, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक लोकल मिनिमा आएगा तो अगला लोकल मैक्सिमा कंफर्म होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा के बाद लोकल मैक्सिमा ही आता है, तो आई थिंक हमारा ए ऑप्शन भी सही हो गया। दोबारा बात करनी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भाई फंक्शन दिया था, कॉन्टिन्यूस तो दिख रहा है, साफ साफ है, नॉन डिफरेंशियबल जीरो पर है, कॉनकेव अपवर्ड्स हमेशा हो गया क्योंकि डी टू वाई बाई डी टू हमेशा पॉजिटिव है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा की उसने बात करी है, तो भाई पोटेंशियल पॉइंट कौन कौन से आ गए, वन और जीरो, और चेक कर लिया वहां पर एक जगह लोकल मैक्सिमा आ रहा है, एक जगह लोकल मिनिमा। वन पर आया लोकल मिनिमा, जीरो पर आया लोकल मैक्सिमा, ऑल आर द आंसर्स। ठीक है, सवाल सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो हम इसे मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलो बस एक लास्ट प्रॉब्लम और रह गया है, करते हैं, सिंपल ही है, बस कैलकुलेशंस हमारे पास है। हाँ भाई, इन द कर्व वाई इक्वल टू सी इंटू ई की पार एक्स बाय ए, ये हमें उसने कर्व दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एक बार पहले मैं कर्व कॉपी कर रहा हूं, y इक्वल टू सी इंटू ई की पार एक्स बाय ए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, हमें फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का, क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का, y अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, यानी सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स जरूर निकालना पड़ेगा, तो चलो डी वाई बाय डी एक्स निकाल देते हैं, सी एज इट इज, ई की पार एक्स बाय ए का डेरिवेटिव ई की पार एक्स बाय ए, और एक्स का कोफिशियंट वन बाय ए, तो चेक कर लीजिए डेरिवेटिव क्या आ गया, सी ई की पार एक्स बाय ए अपॉन ए, दैट इज कमिंग आउट टू आर डी वाई बाय डी एक्स। थोड़ा सा आसान भी कर लेते हैं, ये समझ में आता है सी ई की पार एक्स बाय ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय वाई, वो तो वाई है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी वाई बाय ए, वेयर वाई इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे टेंजेंट नॉर्मल की बातें करनी है। हाँ भाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, y अपॉन डी वाई बाय डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी y बाय a, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कमिंग आउट टू बी a, इनफैक्ट मॉड a, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया भाई, मॉड a, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट। ऑप्शन बी में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, y into dy by dx, dy by dx हम लोग निकाले थे y by a, तो length of sub normal is coming out to be y square by a, in fact y square by mod a, that is our length of sub normal। हाँ भाई, sub normal varies as the square of the ordinate, बिल्कुल length of sub normal जो हमारे पास है that is directly proportional to y square, यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, यानी बी ऑप्शन भी सही हो गया। ऑप्शन सी में टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन, यानी मुझे एक्स वन कॉमा वाई वन पर टेंजेंट लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर एक्स वन कॉमा वाई वन पर लिखना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, वो x1 y1 है, स्लोप चाहिए dy by dx, वो भी हमारे पास है, लिखते हैं y minus y1 equal to m, स्लोप, स्लोप हमने निकाली थी y by a, y1 by a, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर बात करेंगे, into x minus x1। अब बोल रहा है कि भाई टेंजेंट एट x1 comma y1 ऑन दिस कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस, यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कराना है, यानी y को जीरो डालना है, चलो y को जीरो डाल देते हैं, तो y को डाला जीरो, माइनस y1 इक्वल टू y1 बाय a इंटू x माइनस x1, आई थिंक y1 कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग x माइनस x1 इक्वल टू माइनस a, x इज कमिंग आउट टू बी x1 माइनस a, x is coming out to be x1 minus a, x हमारे पास x1 minus a के बराबर आ गया। सवाल में था कि x1 y1 पर खींचा हुआ टेंजेंट
एक्स एक्सिस को एक्स वन माइनस ए डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन कट कर रहा है। बिल्कुल एक्स इक्वल टू एक्स वन माइनस ए का डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स वन माइनस ए ही होगा, तो हमारा सी ऑप्शन भी हो गया। लास्ट में क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करनी है, कहां पे, जहां पे कर वाई एक्सिस को कट करेगा, यानी हमें नॉर्मल की इक्वेशन की बात किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे करनी है, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कहां पर करनी है, वाई एक्सिस पर। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स को जीरो डालने पर वाई कितना आ रहा है, सी। तो सवाल में बोला था कि नॉर्मल की बात करो एट दैट पॉइंट वेयर कर्व कट द वाई एक्सिस, इसका मतलब एट दैट पॉइंट वेयर एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज सी, यहां बात करनी है। और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए डी वाई बाय डी एक्स भी चाहिएगा, जो हम निकाल चुके थे। डी वाई बाय डी एक्स वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और वो हमारा क्या आया था, वाई बाय ए, और वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी बाय ए। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट की स्लोप। तो भाई नॉर्मल की स्लोप क्या हो गई, माइनस ए बाय सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, जीरो कमा सी, नॉर्मल की स्लोप क्या है, माइनस ए बाय सी। तो यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज वाई माइनस सी इक्वल टू माइनस ए बाय सी इंटू एक्स माइनस जीरो। तो चेक कर लेते हैं इक्वेशन क्या आ गई भाई हमारे पास, सी वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। एक बार चेक दोबारा कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई भाई हमारे पास, सी वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, यानी सी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और कुछ भी नहीं किया। तो दैट इज द सॉल्यूशंस फॉर द लाइफ क्विज 7। थैंक यू।